सत्य के साथ। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि तुम न मिली तो शहर को आग लगा दूंगा। ये डायलॉग आपने फिल्मों में, सीरियल्स में, टीवी में अक्सर सुना और देखा होगा, लेकिन देवभूमि देहरादून में एक ऐसी घटना सामने आई है जो इसी डायलॉग को चरितार्थ करती है। हकीकत में तब्दील हो गई वो घटना जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर एक सिरफिरे पति ने क्यों शहर में आग लगा दी? जी हाँ, आग लगा दी, वो भी एक, दो, तीन नहीं, 10 जगहों पर। और पुलिस भी हैरान रह गई इस घटना को जब खुलासा हुआ हकीकत क्या थी ये जानकर। क्या है पूरी घटना हम आपको बताते हैं। ये अजीबोगरीब वाकया है देहरादून की। जी हाँ, घटनाक्रम कुछ यूं है कि आईएसबीटी के पास अचानक टायर मैकेनिक की दुकान में आग लग जाती है। दो बाइकों में आग लगती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आग बुझाई तो थोड़ी देर बाद ही पता चला कि कहीं और भी आग लग गई है। वो जगह तो होती है माजरा। यहाँ पर भी एक बाइक में आग लग जाती है। आनंद फानंद में पुलिस पहुँचती है और आग को बुझाती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में खबर आती है कि शहर के क्लेमेंटाउन थाने में एक ठेली में भी आग लग गई है। चंद मिनटों के गैप में इस तरह से आग लगने की घटना ताबड़तोड़ सामने आती है तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। समझ में नहीं आता कि अचानक शहर में दिन दोपहर ये आग लग कैसे रही है। थोड़ी देर बाद पटेल नगर पुलिस को भी खबर मिलती है कि वहां पर आग लग गई है। यहां कुछ लोडर, बाइक और जनरेटर को जला दिया गया है। इतनी घटनाएं एक साथ हुई तो पुलिस के आला अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए कि आखिर आग लगने की घटना हो कैसे रही है। कोतवाली क्षेत्र में इन घटनाओं के बाद कहीं कोई और आग लगने की सूचना नहीं आई। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की जांच। सीसीटीवी में जब देखा गया तो पता चला कि पूरे शहर के तमाम स्पॉट पर जो आग लगी वो किसी और ने नहीं, किसी एक शख्स ने ही लगाई है। जी हाँ, एक शख्स ने ही लगाई इन तमाम जगहों पर थोड़ी थोड़ी देर में आग। सीसीटीवी के आधार पर जब पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ा तो उसका नाम निकला इरफान, जो देहरादून के ब्राह्मणवाला का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि पलटन बाजार में वो चूड़ियां बेचता है। उसकी पत्नी काफी समय पहले मायके चली गई थी। जी हाँ, पत्नी के मायके चले जाने के बाद लौट कर नहीं आने के गम में उसने ये वादा किया कि उसकी पत्नी नहीं लौटी तो पूरे शहर यानी पूरे देहरादून को आग लगा देगा। इसी सनक में उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये अजीबोगरीब घटना पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली थी, लिहाजा पुलिस ने जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया। पुलिस हिरासत में भी आरोपी चुप नहीं रहा। कोतवाली और पटेल नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि पत्नी उसके घर वापस नहीं आ रही थी, मायके में थी, लिहाजा उसकी सनक उसके दिमाग पर सवार हो गई और उसने इस डायलॉग को चरितार्थ करना उचित समझा जिसमें कहा जाता है कि गम में पूरे शहर को आग लगा देंगे। तो है ना अपने आप में रोचक, दिलचस्प और हैरान करने वाली खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वर्ल्ड। सत्य के साथ।